आज हम बनाता है मिंट और ग्रीन एप्पल का फ्लेवर है। इसके लिए पेपरमिंट ऑयल, बबल गम कीटोन और डिहाइड्रोमिर्सिनॉल DHM और ऑरेंज ऑयल और ऑरेंज क्रिस्टल मजबूत करने के लिए ऑरेंज का ये नोट। तो ये केमिकल्स हम लोग पहले यूज़ करेगा, वो मेजरमेंट मैंने बोलूँगा, उसके साथ उसका नोट भी मैंने बोलूँगा। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग टू मेक ग्रीन एप्पल एंड पेपर। सो कूल होगा और एप्पल का स्मेल भी होगा उसको। तो पहले हम लोग पेपरमिंट डालेगा। ये पेपरमिंट 0.35 मिलीग्राम, पहले मैंने बोलूँगा तो ये 10 मिलीग्राम का कॉम्पाउंड होगा। 1.4 समथिंग होगा इसका केमिकल का वेट और बैलेंस इथेनॉल होगा। तो मिली है, 10 मिली का बोतल में होगा। तो हम लोग देखेंगे, वीडियो शुरू करेंगे। 0.35 इज द पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल के बारे में बोलूंगा, ये पेपरमिंट का स्मेल और टेस्ट भी ऐसा होगा ना, कूलिंग होगा। पेपरमिंट है तो थोड़ा बल्सामिक भी होगा और अनिसिक होगा, ये तुलसी का स्मेल भी होगा और कूल भी होगा। तो एप्पल और पेपरमिंट एक साथ होगा। नेक्स्ट आइटम हम लोग यूज़ करेगा बबल गम का एसेंशियल ऑयल। ये मैंने ये ऑनलाइन खरीदा ये प्योरेंसो से, और उसके साथ थोड़ा तीन और चार वो एसेंशियल ऑयल भी मैंने ले लिया। तो इसका स्मेल है तो बहुत अच्छा है। तो लेकिन वो एक बात ध्यान में रखिए ना, ये जास्ती मीन्स ज़्यादा हम लोग ये पेपरमिंट और ये बबुल गम ऐसा होगा तो उसका स्मेल है ना, ये टूथपेस्ट का स्मेल जैसा हो जाएगा। इसलिए हम लोग थोड़ा कम करेगा और बाकी नोट से हम लोग ये नोट का बट यू कैन से द मजबूत द स्ट्रांग और इफेक्ट विल बी बैलेंस्ड विद द अदर आइटम्स। वी विल यूज योर 19 आइटम्स, हिंदी में बोलेगा तो 19 केमिकल्स हम लोग इसमें यूज़ करेगा। मैंने पूरा पूरा केमिकल है ना, छोटा छोटा बॉटल में ले लिया। ये तो बबल गम है, बबल गम को गम का बबल गम का वो स्मेल होगा, बिल्कुल मिंटी और यू नो फ्रेशनेस ना। आपने बबल गम स्वीट्स खाया ना, मिठाई खाया और बबल गम आपने च्यूइंग किया तो उसका आपका माउथ से एक स्मेल आएगा ना, वो स्मेल मिलेगा। तो इसलिए मैंने बोला इसका मेजरमेंट कम ही करो और ज़्यादा बाकी केमिकल्स का मेजरमेंट थोड़ा जास्ती करो और ज़्यादा करो तो बैलेंस हो जाएगा। रास्बेरी कीटोन, ये रास्बेरी कीटोन है, 10% DPG में डाइल्यूट किया है और इसका मेजरमेंट होगा 0.06 मिलीग्राम। ये इसका स्मेल है ना, स्वीट रास्बेरी राइप होने के बाद का स्मेल है ना, सो वेरी फ्रूटी स्मेल वी कैन से। एप्पल को सपोर्ट करेगा, एप्पल का स्मेल को, ग्रीन एप्पल का स्मेल को ये सपोर्ट करा रास्बेरी कीटोन। सो इट्स वेरी नाइस स्मेल, आई जस्ट स्मेल दिस वन, आपको ये अच्छा खुशबू, अच्छी खुशबू मिलेगा इसका। और उसके बाद है ना, हम लोग है ना टॉप नोट जैसे वाला है ना, तो हमको नींबू और सिट्रस का थोड़ा चाहिए। फर्स्ट अपने स्प्रेक्स करने के समय उस मल बाहर आता है ना, तो इसलिए हम लोग डिहाइड्रो मर्सिनोल यूज़ करता है, DHM बोलता है। थोड़ा है 0.09 mg, मैंने बोला ना 10 mg का बोतल में फिल करने के लिए, वेरी लिटिल क्वांटिटी, सो ऑल द केमिकल्स विल बी ऑल्सो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी। ये 10 mg का स्प्रे बनाने के लिए, इसलिए इसका मेजरमेंट है ना कम ही होगा, सब 1 mg के नीचे होगा, 0.08 0.15 लाइक दैट होगा। ज़्यादा होगा इसका मेन ये एप्पल का स्मेल देने वाला और ग्रीन का स्मेल देने वाला और मिंट का स्मेल देने वाला, ये सब चीज़ों का मेजरमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, बाकी सब तो थोड़ा थोड़ा लिटिल होगा। और सिट्रस के लिए और भी ऑरेंज के लिए ना टॉप नोट में थोड़ा ऑरेंज का ऑयल डालता है, एसेंशियल ऑफ ऑरेंज, ये हम लोग ज़्यादा नहीं डालेगा, थोड़ा एक ड्रॉप होगा 0.03 मिलीग्राम होगा। तो देखिए ना जितना हम लोग डालते हैं,
0.06 ने है 0.05 टू ड्रॉप्स है ना, टू ड्रॉप्स 0.06 समटाइम्स इसमें ऐसे होगा तो मशीन में ऐसा आता है। तो ऑरेंज का ऑयल है, स्वीट ऑरेंज का स्मेल देता है, ये सब खुशबू मिलाकर है ना हमको अच्छी स्मेल मिलेगा। ऑरेंज फ्रेश जूसी स्वीट है और इसके साथ ये मजबूत करने के लिए थोड़ा क्रिस्टल ऑरेंज का डाइल्यूटेड है, 10% DPG में डाइल्यूटेड है, ये भी हम डालेगा, थोड़ा डालेगा, एक ड्रॉप और दो ड्रॉप ज़्यादा होगा। सो इसका वेट भी 0.03 मिलीग्राम होगा, ये थोड़ा डाइल्यूट करने के बाद हल्का हो गया 0.03। ये तो ऑरेंज का स्वीट स्मेल दे दूंगा, इसका नाम है ऑरेंज क्रिस्टल, डाइल्यूटर है, 10% DPG में डाइल्यूट किया था। अभी तो पहले 6 केमिकल का मशरूम हम ले लिया, उसका काम हो गया, ये हमको टॉप नोट बोल सकता है ना। तो ये 35% और उसका पूरा कॉम्पाउंड का 35% का तकरीबन होगा। और उसके बाद हम लोग मिडिल नोट के लिए और फ्लोरल नोट के लिए हम लोग ट्राई करेगा। अभी मैंने आपको पूरा निकालेंगे, पहले ये मिला इसलिए ना हम लोग बोतल में डालेगा। ये है हमारा 10 मिलीग्राम का बोतल है, वेरी स्मॉल बोतल विथ स्प्रे एंड ऑल मशीनरी इज देयर। ओके, सो वी विल पुट इनटू दिस न्यू बोतल। हमारा टॉप नोट रेडी हो गया और उसके बाद है ना हम लोग कोई केमिकल्स मिडिल नोट में होता है, ये फ्लोरल भी होगा और इसका नाम भी हम लोग लिखेगा। हाँ, नीचे से आता है नाम पर फर्नासोल, फर्नासोल ये फ्लोरल नोट है। और DMBCA, डी मिथाइल बेंजाइल कार्बिनियल एसिटेट, ये रोज का एक नोट देने वाला है। और एनिसिक एल्डिहाइड, एनिस मैंने बोला ना, एनिसिक स्मेल दे दूंगा, तुलसी और समथिंग लाइक दैट मिंट का मिल देता है। और हेडियोन सब लोग को मालूम है क्या है, और ट्रिप्लाल वन बाय वन इसमें आएगा, हमारे स्क्रीन में आएगा। फर्नासोल हम लोग ले लिया, ये दूसरा नाम आता है ना, मैंने बोला DMBCA, डाई मिथाइल बेंजाइल कार्बिनियल एसिटेट इसका नाम है। और उसके बाद आएगा एनिसिक एल्डिहाइड, और DPG में डाइल्यूट किया एनिसिक एल्डिहाइड। और हेडियोन, हेडियोन सबको मालूम है क्या चीज़ है ना, हम लोग इस पहले भी हम लोग यूज़ किया इसका हेडियोन का। और उसके बाद ट्रिप्लाल, ए नया केमिकल है, मैंने अभी ले लिया, ट्रिप्लाल इज़ वेरी नाइस वन, विल टेल यू व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस वन, एंड बेंजाइल एसीटेट, बेंजाइल एसीटेट और इंडोल भी हम लोग यूज़ करेगा, वो डाइल्यूटेड है। और नया दूसरा केमिकल आता है इथेल माल्टोल, इथेल माल्टोल माल्टोल हनी का स्मेल मिलता है हमको। और फिनाइल इथेल अल्कोहल, सबको मालूम है ये क्या चीज़ है, रोज का स्मेल देने वाला है। ठीक है, तो हम लोग ये फ्लोरल और मिडिल नोट के बारे में हम लोग अभी वीडियो मीन्स स्टार्ट हो करेगा। तो पहले वाला आइटम होगा ये सब चीज़ हम लोग ले, 4+3 7+2 9 केमिकल्स है ये मिडिल नोट के लिए। तो वन बाय वन हम लोग यूज़ करेगा, पहला वाला आता है ना फिनाइल इथाइल अल्कोहल हम लोग यूज़ करेगा, इसका मेजरमेंट होगा फिनाइल इथाइल अल्कोहल, पहले भी हम लोग यूज़ किया ये फिनाइल इथाइल अल्कोहल रोज बनाने के लिए। मेजरमेंट होगा 0.12 फिनाइल इथाइल अल्कोहल 0.1 मिलीग्राम, फ्लोरल रोज फ्लावर का नोट और स्मेल आपको देता है। मैं ऊपर लिखता है तो क्या है था ये केमिकल का क्या क्या खुशबू है, ये इसका स्मेल लेने और सेंड क्या क्या होगा, एक केमिकल को भी दो अलग अलग नोट
डाउट होता है तो आप पढ़िए, उसके साथ देखकर आपको पढ़ सकता है ये फार्मासोल। फार्मासोल हम लोग, या दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर यूजिंग इन दिस सीरियल, माइल्ड एंड फ्रेश एंड स्वीट फ्लोरल देता है। ये माइल्ड और फ्रेश और स्वीट फ्लोरल नोट देता है फार्मासोल। ये फार्मासोल हम लोग है ना यूज करेगा 0.08 मिलीग्राम। फार्मासोल 0.08 मिलीग्राम यूज किया। और उसके बाद दूसरा आइटम्स हम लोग यूज करेगा। फार्मासोल इज वेरी नाइस स्मेल, विल फॉर रोज में डालता है इसका। और अभी तो हमको फ्लोरल फ्रूटी मिलने के लिए यूज करना था, मैंने बोला था DBMBCA डाइमिथाइल बेंजाइल कैरिबिनिल एसिटेट, इसका वेट होगा 0.03 मिलीग्राम। और उसके बाद एनिसिक एल्डिहाइड हम लोग यूज करेगा। ये देखो ना, स्वीट एंड पाउडरी बलसाम, थोड़ा वैनिला का स्मेल भी आता है और फ्रूटी और प्लम और चेरी। टोंगा, ये कुमरिन बोलता है टोंगा बीन को, टोंगा बीन बोलते हैं और कुमरिन भी है उसका नाम। सो ये सिंगल केमिकल यू कैन यूज इट फॉर दिस फ्रेग्रेंसेस टू सपोर्ट वाट इन द केमिकल। एंड इसका वेट है 0.04 मिलीग्राम्स एनिसिक एल्डिहाइड। और उसके बाद हम लोग यूज करेगा ये मिडिल नोट में दूसरा आइटम आता है, वेट कीजिए, एनिसिक के बाद हम लोग है ना ये हेडियोन यूज करता है। हेडियोन अब सब लोगों को मालूम है ना क्या हेडियोन है, फ्लोरल ऑयली जास्मिन नोट देता है। जास्मिन का खुशबू बनने के लिए हेडियोन बहुत मस्त, ये सपोर्ट करने वाला हेडियोन। और ये ब्लेंडर भी है और ये वेरी नाइस स्मेल देता है। और केमिकल हेडियोन हम लोग इधर हम लोग 0.10 मिलीग्राम 0.10 मिलीग्राम हम लोग इधर यूज़ करेगा हेडियोन। और हेडियोन के बाद हमारा दूसरा नया आइटम आता है, इसका स्मेल होगा ग्रेन ग्रीन एल्डिहाइडिक लीफी कॉर्टेक्स एंड फ्लोरल आता है, इसका नाम है अभी देखो ना ट्रिप लाल। दिस इज द फर्स्ट टाइम हम लोग यूज करता है, इसका ग्रीन नोट है इसका। एंड एल्डिहाइडिक लीफी कॉर्टेक्स एंड टार्ट फ्लोरल पीलिन बोलता है, तो ये ग्रीन नोट में आता है ट्रिप लाल, इसको ग्रीन को सपोर्ट करता है। When you spray the perfume, you know that time you feel the green smell, you know ये क्या बोले हम लोगों का पेटेड ग्रीन का नोट है ना, जो कटिंग द ग्रास स्मेल लाइक दैट, इट विल सपोर्ट ऑल दी स्मेल्स द ग्रीन ग्रीन स्मेल। और दिस इज अवर बेंजाइल एसिटेट। बेंजाइल एसिटेट इज अ वेरी स्वीट एंड फ्लोरल फ्रूटी जास्मिन फ्रेश है। ये जास्मिन का कॉम्पाउंड बनाने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड एसेंशियल आइटम, व्हाट इज बेंजाइल एसिटेट एंड बेंजाइल अल्कोहल, ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मली यूज टू मेक व्हाट जास्मिन का परफ्यूम बनने के लिए। इसका इधर मेजरमेंट है 0.03 मिलीग्राम्स। ये फ्लोरल फ्रूटी का स्मेल देता है, फ्लोरल का जास्मिन का स्मेल देता है। तो ये कॉम्पाउंड में हम लोग फ्रूटी के लिए और फ्लोरल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिडिल नोट में बेंजाइल एसिटेट 0.03 मिलीग्राम। नेक्स्ट है इंडोल हम लोग यूज करेगा, थोड़ा एनिमलिक नोट मिलता है इस इंडोल से। एंड द इफेक्ट ऑफ दैट विल बी वेरी स्मॉल एंड वी विल इट्स ए कॉम्पाउंड यू नो, तो दूसरा स्मेल को बैलेंस करने के लिए हम लोग ये केमिकल भी यूज करता है इंडोल 0.03 मिलीग्राम सिर्फ यूज करता है। इसका नोट है एनिमलिक एंड फ्लोरल, एनिमल फ्लोरल नोट बोलते हैं इसको। ये फ्लोरल नोट में एनिमल का थोड़ा इफेक्ट करने के लिए, बट इट विल बी वेरी स्मॉल इन दिस केस, यू नो 0.03 मिलीग्राम्स। एंड अल्कोहल के साथ ये मिक्स करने के बाद वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो भी ये एक एलिमेंट है और एक इंग्रेडिएंट है ये परफ्यूम में यूज करने के लिए इंडोल।
और इंडोल के बाद हम लोग यूज करेगा इथेल माल्टोल। इथेल माल्टोल यू नो मैंने बोला ना आपको ना हनी है ए स्वीट कैरामल स्मेल देता है और जाम स्ट्रॉबेरी का स्मेल देता है कैंडी कैंडी यू नो द स्वीट मिठाई का। सो स्वीट कैरामल और शुगर यू कैन सी यू नो ए शुगर ब्राउन शुगर और समथिंग लाइक दे विल से नॉट द ड्रग ब्राउन शुगर अनदर वन का स्मेल होता है। ये केक बनाने में ना बेकरी में भी वो उसी समय आपको एक स्मेल आएगा ना बेकरी का स्मेल है वेरी नाइस स्वीट स्मेल। ये इथेल माल्टोल विल गिव दैट स्मेल ऑफ दैट वन। सो ये मिक्स करने के बाद हमारा परफ्यूम का नोट है ना स्मेल है ना कोई डाइवर्ट हो जाएगा थोड़ा वेरी स्वीट स्मेल हो जाएगा आपको स्प्रे करने के लिए। मैंने बोला ना वो बबल गम और इसका स्मेल है ना उसको कमी करेगा। सो यार रिक्वेस्ट है तो मेरा चैनल आप नया आदमी है तो सब्सक्राइब कीजिए और पुराना आदमी लोग है ना लाइक करिए और शेयर करिए। शेयर करने के बाद परफ्यूम लवर्स के साथ शेयर कीजिए तो लोगों को ना परफ्यूम बनाने के लिए इसका इंफॉर्मेशन मिलता है और दोस्त आर इंटरेस्टेड टू लर्न यू नो दे विल गेट अ चांस टू अंडरस्टैंड सम पीपल विल बी गुड परफ्यूमर्स आफ्टर सीइंग दिस वन। आई थिंक समबडी स्टार्टेड इंस्टीट्यूट ऑल्सो। ओके सो द मिडिल नोट हम लोग इसमें डालेगा तो टॉप नोट और मिडिल नोट का पूरा केमिकल हम लोग तो केमिकल डालने के समय थोड़ा ध्यान रखिए नहीं तो इट विल गो आउटसाइड। नाउ बोतल में आ गया 10 मिलीग्राम का बोतल है ये और ध्यान कीजिए ना मिलीग्राम और मिलीलीटर भी ऑलवेज डिफरेंट। ये मिलीग्राम तो वेट होता है तो 10 मिलीग्राम का बोतल में 10 मिलीग्राम के ऊपर भी होगा केमिकल नीचे भी होना चाहिए ना तो डिपेंड्स अपॉन द केमिकल्स वेटमेंट। ओके नाउ हम लोग ना द बेस नोट्स में आता है मींस द बेस ऑफ द कॉम्पाउंड दिस इज द वन हम लोग बोलेगा OTP BHA। इसका नाम है ग्रीन एसिटेट भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम है। ये तो फ्रूटी और वुडी ग्रीन एप्पल का नोट देता है और थोड़ा हर्बल का स्मेल आएगा तो दिस इज द फ्रूट एंड हम लोग इसमें ग्रीन एप्पल का एसेंस और स्मेल को कॉन्सेंट्रेट करता है। मेजरमेंट देखो ज्यादा है 0.30 मिलीग्राम यूज करता है तो अच्छा ये इसका इफेक्ट इसमें बेस नोट में होगा। और हम लोग ये केमिकल यूज करेगा बीटा पाइनिनी इस ऑल्सो विल यूज बट वेट फॉर द बिफोर दैट वन विल यूज व्हाट द मस्क वन एथिलीन ब्रेसिलेट हम लोग यूज़ करें थोड़ा मस्क का जस्ट ए सिंपल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी विल यूज़ करेगा ए मस्क का इफेक्ट मिलने के लिए एथिलीन ब्रेसिलेट हम लोग यूज़ करेगा 0.19 मिलीग्राम। ये बेस नोट में आता है ना तो वो स्ट्रॉन्ग मस्क का थोड़ा इफेक्ट मिलेगा ये बेस नोट में। पहला टॉप नोट जाएगा वो स्मेल जाएगा उसके बाद ये फ्लोरल का मिडिल नोट है इसमें क्या क्या वो जाएगा उसके बाद ये थोड़ा मस्क का स्मेल ये कॉम्पाउंड में रहेगा तो अच्छा होगा। उसके बाद हम लोग बीटा पाइन ही नहीं हम लोग यूज करते ये पाइन ट्री का ऑयल जैसा स्मेल होता है बट दिस इज ए सपोर्टिव फॉर व्हाट द ग्रीन एंड थोड़ा यूकालिप्टस एंड कॉम्फरस कहे कर्पूर बोलता है इसको कॉम्फ्रेंस के ऊपर बीटा पाइन 0.08 मिलीग्राम हम लोग यूज करेगा। दिस इज द बेसिक थिंग्स फॉर दिस कॉम्पाउंड। नाउ ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल्स वी यूटिलाइज एंड दिस इज द लास्ट वन इज दिस इज वन इन द क्रिस्टल फॉर्मेट दिस इज द पचौली हेक्सनॉल दिस इज द व्हाट वी कैन से द बैकबोन ऑफ दिस परफ्यूम and it is very nice chemical and it is coming in the crystal form white small crystals you know woody musty and patchouli camphor mint thoda leather ke note mein ye log ye add karta hai here hum log mint ke liye hum log use karta hai patchouli hexanol it's a small crystal form hai maine hum log this is first time I think we are using in this also 0.15 मिलीग्राम यूज करेगा। दिस इज ईजिली डायल्यूटेबल यू नो वन स्मॉल क्रिस्टल इज पुट देयर एंड वी विल शेक दैट वन एंड वी विल यूज इट। ओके नाउ मोस्ट ऑफ द केमिकल्स एंड अवर थिंग्स आर ओवर वी विल यूज द बैलेंस टू
ये स्प्रे बॉटल में डालने के लिए हम लोग यूज़ करेगा, ठीक है। थोड़ा इंतज़ार करो तो वो पचौली हेक्सनोल का डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। हमारा बेस नोट हो गया, चार आइटम्स, बेतिलिम ब्रेसलेट हो गया, पचौली हेक्सनोल यूज़ किया और दैट न्यू आइटम हम लोग यूज़ किया, ठीक है। Now I will shake that one again to make it a wash board. The OTP BHA green acetate is the first time we are using here also, and beta pyene also we are using. These will support the green and mint ko bhi support karega. Okay. Wait. Now it is diluting. ना थोड़ा शेक करेगा तो ना यह वाइट कलर हो जाएगा, वाइट कलर का वो थोड़ा क्रिस्टल का पचौली हेक्सनोल का या एक पीस है वो अभी डाइल्यूट हो जाएगा। ना हम लोग ना थोड़ा वेट से किया, उसके बाद ना हम लोग परफ्यूम ग्रेड अल्कोहल अभी हम लोग डालेगा। दिस विल बी 7.10 मिलीग्राम्स परफ्यूम ग्रेड अल्कोहल। ये 7.10 मिलीग्राम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, इट्स अ कैलकुलेशन ऑफ दिस वन, यू नो, डाइल व्हेन वी आर डाइल्यूटिंग हाउ मच अल्कोहल टू यूज एंड व्हेन वी आर मेकिंग, यू नो, देयर इज अ रेशियो ऑफ दैट 80:20 समथिंग लाइक दैट, यू नो, केमिकल टू द अल्कोहल, ऑल दीस थिंग्स आर कैलकुलेटेड ऑन द कंप्यूटर एंड आफ्टर दैट वी आर फाइंडिंग आउट द वेट एंड द कैलकुलेशन आफ्टर द बॉटल विल बी ऑल्सो फिल्ड प्रॉपरली हाउ दैट Patchouli, that small piece we will try to dilute like this, shaking this one. Now the alcohol is there. Now our everything is over. I think it will be perfect now in that bottle. The 10 milligram ka bottle hai. Now it's okay. That small little piece is still there. वो पचौली का एक स्मॉल पीस है, छोटा बहुत छोटा पीस है। दूसरा सब लोग अब लोग सब अभी तो उसमें डाइल्यूट हो गया, तो ये पीस मैं एक टीस्पून से ले लूँगा, स्मॉल टीस्पून से। ये ऐसे लेकर इसमें डालेगा तो ओके, नाउ इट इज फोल्डिंग दैट। Now what you have to know, you fix the cap on that one. आपने उसका ये इसमें एक बार भी डालिए और ट्राई कीजिए तो बैलेंसनेस क्या है वो भी हमको मिलेगा, ये बॉटल में आएगा। क्योंकि ना ये ध्यान रखिए ना, हम लोग थोड़ा थोड़ा केमिकल इसमें डाला तो पूरा केमिकल होना चाहिए वो परफेक्ट रिजल्ट मिलने के लिए। तो ठीक है, हम लोग ले लिया। मैं अभी तो उसका कैप इसमें डालकर मैं शेक करेगा, शेक के बाद आपको स्प्रे करके हम दिखाऊंगा ये इज वर्किंग और परफेक्टली वर्किंग और नॉट। इसमें तो ये एक आइटम है, क्रिस्टल है, क्या ये पचौली का, तो स्प्रे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ये छोटा बोतल बहुत कन्वीनियंट है एक पॉकेट में के डालने के लिए, और मैं कुछ समय हम लोग ये यूज़ करते हैं कोई मीटिंग के लिए जाने के समय, हमको स्प्रे करने के बाद उसके अंदर ऑफिस के अंदर जा सकते हैं ना। देखो वो पीस है ना, ये पीस अभी जाएगा, वो 1 or 2 मिनट के अंदर जाएगा, तो स्प्रे वर्क कर ओके। नाउ इट्स स्प्रेइंग प्रॉपरली, नो प्रॉब्लम, स्प्रे इज वेरी गुड, सी देन द पेपर स्प्रेडिंग प्रॉपरली। नाउ विल शेक अगेन एंड विल शो यू व्हाट ये पूरा डाइल्यूट होने का वो मैं आपको दिखाऊंगा। हम लोग शेक करता है इस साइड में, देखो पीस स्मॉल पीस अभी भी है उसमें, वो शेक करने के बाद ये चले जाएगा 1 or 2 मिनट मैक्सिमम, सी डाइल्यूटिंग वेरी फास्ट। नाउ स्मॉल पीस है और भी एक थोड़ा है, तो पहले ये डालेगा तो भी पहले डाइल्यूट हो जाएगा। तो आप लोग ये ट्राई करने के समय आप लोग क्या करो, ये पचौली का ये पहले डालो बोतल में, उसके बाद केमिकल थोड़ा थोड़ा उसमें डालो और शेक कीजिए तो ठीक है। देखो अभी तो परफेक्ट है, सो इट इज़ 100% इन हाईली डाइल्यूटेबल इन अल्कोहल एंड एवरीथिंग, पचौली वेरी नाइस। तो हम लोग ना इस परफ्यूम में 19
केमिकल्स हम लोग यूज़ किया। तो इसका नाम मैं इसमें लिखूँगा, देखिए ना थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा तो आपको लिख कर सकता है। और मैंने इसके सामने ये क्वांटिटी राइट किया क्योंकि ना कुछ लोग ने सिर्फ फॉर्मूले के लिए देखता है, वो लोगों को स्पीड करने के बाद उस देख सकता है। मेरा मेन फोकस है दोस हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न एंड स्टडी अबाउट परफ्यूम्स एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। आपको 10 केमिकल के बारे में कुछ समझ की हो तो 10 केमिकल ओके, प्लीज स्टडी थरोली एंड स्टार्ट विद दैट वन। एंड थोड़ा थोड़ा ना आप लोग ये उसका नया केमिकल ऐड करो तो यू कैन अंडरस्टैंड एंड स्टडी करता है। ओके, नाउ आवर 19 केमिकल्स आर हियर, द लास्ट वन इज कमिंग वन बाय वन। एंड हम लोग इसमें 4 और 5 नया केमिकल्स इंट्रोड्यूस किया और इन आने वाले समय में वी विल ट्राई विद द न्यू वंस एंड न्यू केमिकल्स एंड यूज एट द सेम टाइम द ओल्ड केमिकल्स ऑल्सो। सो